Greetings to all. I am Mrs. Neeta Guha, principal, Little Flower Public Senior Secondary School. Feel proud of the school's participation in the virtual Toy Fair 2021. Little Flower Group of Schools has always believed that play is the highest form of research. It is obvious that all the kids love to play, and being an educator, it is our responsibility to teach the kid in the way they want to learn. The best way to involve the kids is by providing joyful learning through toys and activities. During the offline classes, even in the online classes, the teacher use innovative games, toys, and also the puzzles to attend actively based and collaborative learning. And with the motive of enhancing joyful learning, HRD Ministry, in collaboration with CBSE, is organizing the Indian Toy Fair 2021 on a virtual platform from 27 Feb 2021 and to 2nd March 2021. Little Flower Group of School is joining hands with the HRD Ministry to promote the use of traditional, economically and eco-friendly toys, and their integration is the learning process. Our vision is to inspire a passion among the students for learning, to attend best learning outcomes. I बताया कि हमारा स्कूल Little Flower Public Senior Secondary School वर्चुअल Toy Fair में indirectly अपने विद्यालय की तरफ से participate कर रहे हैं, और मेरे बहुत सारे teachers और students और parents ने अपने 1 minute के videos भी उसमें डाल रहे हैं, upload कर रहे हैं, और इस दिशा में हमने कम से कम ये 5 or 6 years से already मेरे school में learning outcomes को बेटर बनाने के लिए जितने प्रॉप आपके स्कूल में सारे आपको विज्ञान हमारे प्रदर्शनी में नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर सृजनात्मक ढंग से अलग अलग टेबल्स पे हमारे साइंस डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और प्री प्राइमरी विंग्स ने उन टॉयज को शो किया है जो ऑलरेडी हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में यूज किया। एक बच्चा जो था उसने अपने सॉफ्ट टॉय को लाके रखा अपनी मैडम के सामने और बोला कि ये टॉय है, और उसके बारे में बताया तो उस टॉय के बारे में, टेडी बियर के बारे में बताया तो पूरी क्लास ने सुना। तो एक इंटरेस्टिंग ढंग से अपनी नॉलेज को इन्वेस्टमेंट करना, जैसा कि भी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये रिकमेंड किया गया है कि बच्चे की स्टडी को कितना आसान बनाया जाए। तो डेफिनेटली कि जो टॉय फेयर है इसमें जो प्रॉप शो होंगे और जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो सब मिलकर एक नया एक शिक्षा का जो एक चरण है, जो श्रृंखला है, वो इतनी अच्छी बन जाएगी जिसमें टीचर्स और जितने विद्यालय हैं अपनी स्टडी को इतना अच्छा बनाएगी जिससे बच्चे की नॉलेज पे काम ज़्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा काम होगा और रोट लर्निंग खत्म होगा, और बच्चा एक किसी भी सस्टेबल डेवलपमेंट के जो गोल को और करना चाहता है तो अपने घर में हर वेस्ट प्रोडक्ट को भी, हर किसी अपने टॉय को भी क्लास में लाएगा और दूसरे बच्चों को बताने की कोशिश करेगा। तो इस प्रक्रिया से मुझे लगता है कि जो हमारी एजुकेशन है और सहज और सुगम बन जाएगी। तो सारे आपने देखा कि जितने बच्चों ने इतने सुंदर वो जो प्रॉप्स बनाए हैं, टीचर्स ने इतने अच्छे बनाए हैं, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने अपने जितना उसके मन में परिकल्पना थी जो थी उसने इसको इसमें उतार दिया। तो हम सब मिलकर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपनी HRD मिनिस्ट्री को थैंक्स बोलना चाहेंगे कि जो एक स्कूल में अभी छुपे हुए प्रॉप थे, जो टॉय थे हमारे, आज इस प्रदर्शनी के वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जो 27 फेब से स्टार्ट हो रहा है उसमें हम सबको एक नई दिशा मिलेगी। हम सब अपने टॉय ना करके हम दूसरों के जो टॉय हैं, दूसरे जो प्रॉप्स हैं, उनको भी यूज़ करना हम सीखेंगे। तो डेफिनेटली शिक्षक जगत के अंदर एक नई ये एक इनोवेटिव आइडिया होगा जिसको हम अपनी एजुकेशन को बहुत ही अच्छा बनाएंगे।